फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो वाटर के साथ, वाटर में इसको स्टोर करके रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर इसको ऑक्सीजन खुले में छोड़ रख दे, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट होकर क्या होगा, ये बर्न हो सकता है, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शंस विद वाटर्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, मैंने पहले डिस्कस कर दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद एसिड। तो एसिड के साथ कौन कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखिए, रिएक्शन विद एसिड, एसिड सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, दैट इज डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, आपने डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में सुना होगा। डाइल्यूट में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिड, ठीक है, एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है ये डाइल्यूट एसिड, ठीक है। हम लोग लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सब डाइल्यूट एसिड से ही करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है प्योर फॉर्म ऑफ एसिड होता है, एसिड का प्योर फॉर्म को हम कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, ठीक है। तो मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एमजी प्लस टू एच सी एल की एमजी सी एल टू प्लस एच टू, ठीक है, यानी कि मैग्नेशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नेशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देता है, मैग्नेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो क्या है, मैग्नेशियम एक मेटल है, एससीएल एक एसिड है, एनजीसीएल टू एक साल्ट है और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो जैसे आप देखिए, कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ओके, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो लिखेंगे आंसर, इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, नेक्स्ट है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो नॉन मेटल में क्या लिखेंगे, एसिड के साथ इट डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन विद बेस। ओके, रिएक्शन विद बेस में हम क्या करेंगे, जब मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, एग्जाम्पल देखिए, टू एन ए ओ एच यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और वाटर के साथ भी, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये NOH क्या है, ये एक बेस है, ठीक है, ये Al क्या है, एक मेटल है, Al मींस एल्यूमिनियम, ठीक है, और वाटर, ठीक है, इसके साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, 2NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, 2NaAlO2 मतलब सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, यानी कि देखिए ध्यान से, 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, ओके, सोडियम एल्यूमिनेट इज अ साल्ट एंड हाइड्रोजन इज अ गैस। ओके, नेक्स्ट है आपका 2NaOH प्लस जिंक, ठीक है, Zn गिव्स Na2ZnO2, ठीक है, प्लस H2, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक गिव्स क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक क्या है, सोडियम जिंकेट इज अ साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये दो एग्जांपल है आपका रिएक्शन विद बेस प्लस मेटल। ओके, नेक्स्ट है, नॉन मेटल प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, साल्ट देगा और वाटर देगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि 2NaOH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से, ठीक है, तो क्या बना रहा है, Na2CO3, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में भी, ठीक है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर दे, तो वाटर देगा ये, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बना रहा है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट है आपका CaOH2 प्लस CO2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O बनाएगा। ओके, तो दिस ऑल आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कल हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, ओके, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद आई थिंक कि चैप्टर आपका फिनिश है कल, और टुमारो इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्यूवर्ड्स एंड क्वेश्चंस। थैंक यू, प्लीज हैव अ लुक।